इश्क ले जाएगा जन्नत में, कौन सा अमल ले जाएगा जन्नत में, वो अमल ही ले जाएगा। मैं ये कहता हूँ अमल वाला इश्क की तरफ नहीं जाता, लेकिन आशिक जो होता है वो अमल करता है, वो अमल की तरफ जाता है। वो कैसा? हाँ, मुंह वाला आशिक, जबान वाला आशिक, सिर्फ जबान वाला आशिक बोलना, वो बेनमाज भी हो सकता है, वो बेरोज़ा भी हो सकता है, वो दूसरे का माल भी खा सकता है और जबान से आशिक कहला सकता है। लेकिन जो असल आशिक है वो कैसा आशिक है? उस पाक का अपने को आशिक, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मैं आशिक हूँ, लेकिन मैं उसके बताए हुए इल्म के ऊपर उसके सिर्फ मैं करामतें गिना सकता हूँ सबको, लेकिन उसके दिए हुए इल्म के ऊपर कोई अमल करने को तैयार नहीं। उसके दिए हुए शरीयत की पाबंदी के ऊपर चलने को कोई तैयार नहीं। उसके बताए हुए रास्ते के ऊपर कोई चलने को तैयार। कैसा आशिक नबी है, कैसा आशिक अली है? वो कहता है अली का आशिक हूँ, कैसा आशिक है अली का? वो कहता है करबला का मैं कुर्बानी का, हर इंसान कहता है, मुसलमान और काफिर कहता है कि करबला की जो कुर्बानी थी वो अजीम तरीन कुर्बानी थी, लेकिन वो कुर्बानी का मतलब क्या है? क्या वो कुर्बानी सिर्फ उस वक्त दी गई और खत्म हो गया, या वो कुर्बानी नवासा रसूल की इसलिए हुई कि आप कुर्बानी दें, पूरी उम्मत कुर्बानी दे? कुर्बानी का मतलब क्या है? हक के ऊपर खड़े हो जाए, चाहे गर्दन चली जाए। कौन हक पे? कितने लोग हक